दुनिया भर में कोरोना 4,30,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। अमेरिका में अमवात 1,17,000 हो गई। ब्राजील में 42,000 से ज्यादा हलाकतें। बरतानिया में 41,600 अफराद मौत की नींद सो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 78,72,619 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,32,475 हो गई। दुनिया भर में 40,42,463 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,527 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 21,42,224 हो गई है। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,50,796 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 42,791 जिंदगियां निकल चुका है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,662 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 2,94,375 हो गई है। इटली में मजमुई अमवात 34,301 हो चुकी है, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,36,651 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में वायरस के बायस मजमुई हलाकतें 29,398 हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,56,813 हो गए। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,90,685 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,136 हो चुकी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में वायरस से 9,199 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 3,21,626 हो गई। वायरस से रूस में कुल अमवात 6,829 हो गई। पेरू में 6,498 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि यहाँ कोरोना केसेस 2,25,132 रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 8,867 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,87,423 हो गए। ईरान में वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,730 हो गई, जबकि कुल केसेस 1,84,955 हो गए। तुर्की में वायरस से जाँबाक होने वालों की तादाद 4,792 हो गई, जबकि केसेस 1,76,677 हो गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना से अब तक कुल अमवात 932 रिपोर्ट हुई है, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,23,308 तक जा पहुँची है।